ग्रामीण अभियंत्रण सेवा विभाग के द्वारा हुमायूंपुर उत्तरी में कुबेर हॉस्पिटल से गब्बू लाल वर्मा के मकान व स्वर्गीय डॉक्टर राजीव केतन के मकान से अशोक श्रीवास्तव के मकान तक बनने वाली सीसी रोड का शिलान्यास रविवार को नगर विधायक डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल द्वारा किया गया। इस मौके पर वरिष्ठ छायाकार स्वर्गीय राजीव केतन मार्ग का भी नामकरण किया गया। इस मौके पर स्वर्गीय राजीव केतन की पत्नी ममता श्रीवास्तव, स्थानीय पार्षद राधे श्याम रावत, ममता लाल, सत सुकृत समेत अन्य गणमान्य लोग मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान मौजूद लोगों ने स्वर्गीय राजीव केतन के चित्र पर पुष्प भी अर्पित कर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किया। इस मौके पर नगर विधायक डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल ने कहा कि स्वर्गीय राजीव केतन न सिर्फ अपने कला व फोटोग्राफी के लिए जाने जाते थे बल्कि उनका हसमुख व्यवहार भी लोगों के दिलों में अपनी जगह छोड़ गए। नगर विधायक ने कहा कि इस गली में बनने वाली रोड अब तक की सबसे बेहतरीन सड़कों में गिना जाएगा। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से दूरभाष पर बात करते हुए नगर विधायक डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल ने कहा, जो सिर्फ एक और एक चीज के लिए जिसका जीवन समर्पित था, दूसरों के चेहरे पर मुस्कान लाना, मेरा ख्याल है इसी से रोड का शिलान्यास कार्यक्रम आज होने जा रहा है। अपने यथास्थान पे धीरे धीरे अपने यथास्थान ग्रहण करते रहे। ए मुन्ना भैया, डॉक्टर राजीव केतन गोरखपुर की एक प्रतिष्ठा और शांति है। ललित कला के क्षेत्र में और विशेष रूप से फोटोग्राफी के क्षेत्र में, पेंटिंग के क्षेत्र में भी उन्होंने बहुत ऊंचे मुकाम हासिल किए थे। बहुत सारे सांस्कृतिक कर्मियों को उन्होंने प्रोत्साहित करके आगे बढ़ाया था। जहां कहीं भी छोटे मोटे भी व्यक्तित्व दिख जाते थे जिनमें कला की रुचि होती थी, वो उनको हमेशा आगे बढ़ाने का प्रयास करते थे। और उनकी सबसे बड़ी खूबी थी कि वो इस क्षेत्र में शायद फोटोग्राफी में अकेले डॉक्टरेट उन्होंने प्राप्त किया था, पीएचडी इन फोटोग्राफी, जो इस क्षेत्र में एक बहुत ही प्रतिष्ठित मान्यता हो सकती है। विशाल अनुभव था उनका, लेकिन वो न तो वो कभी गोरखपुर अपने ज्ञान के अहंकार में डूबते हुए देखा हम लोगों के बीच में से। वो तब गए जब पूरा शहर उनको देख रहा था, उनकी कृतियों को देख रहा था, इसलिए हम लोगों ने महसूस किया कि उनकी स्मृतियों को समाज में बनाए रखने के लिए कुछ किया जाए। तो आज हम लोगों ने एक छोटा सा योगदान किया है उनको सम्मान देने का, हम इसको एक बहुत बड़ा योगदान नहीं मानते। ईश्वर ने अगर मौका दिया या परिस्थितियां पैदा की तो उनकी स्मृतियों को सजोने के लिए हम लोग अभी उन्हें और भी बड़ा सामाजिक स्थान देने के लिए कृतसंकल्पित हैं। बड़ी संख्या में नागरिक आए, किसी को बुलाया नहीं गया था, सबने सोशल मीडिया पर खबरें पढ़ ली और सब स्वयं चले आए। यूनिवर्सिटी के प्रोफेसरांस आए, शहर के कलाकर्मी आए, संस्कार भारती के कार्यकर्ता आए, संगीत कला एकेडमी और ललित कला एकेडमी के मानद सदस्य आए। हम उन सबको आभार देते हैं और ये बताता है कि स्वर्गीय डॉक्टर राजीव केतन का इस पूर्वांचल में क्या स्थान था। धन्यवाद।